रोए कि हिचकियां बंद गई और रोते रोते बास मर्तबा बीमार पड़ जाते। अल्लाह का डर, अल्लाह का खौफ। आज मेरे मोहतरम बुजुर्गों दोस्तों, आज हमसे और आपसे और मुसलमानों से अल्लाह का खौफ रुखसत हो चुका है। जिस दिल के अंदर अल्लाह का खौफ नहीं होगा तो फिर अल्लाह तबारक व ताला उस दिल के अंदर बहुत सारे खौफ को जमा कर देगा। अल्लाह का खौफ रुखसत, दिल से जब अल्लाह का खौफ निकलता है तो फिर दुनिया वालों का खौफ दिल के अंदर आता है और फिर वो डरता है। जब अल्लाह से नहीं डरेगा तो फिर वो दुनिया की सारी चीजों से डरेगा और फिर वो डरता है, एनआरसी हो जाएगा। तो ये हो जाएगा। तो मेरे दोस्तों, ये हुकूमत ने ये कानून बनाया है, याद रखो, हुकूमत के कुलूब और पूरी दुनिया के कुलूब अल्लाह के दो उंगलियों के दरमियान है। अल्लाह तबारक व ताला जब चाहे, जिस वक्त चाहे, जैसे चाहे उसे पलट देता है। हम अपने आप को पलटने की कोशिश तो करें, हम तो अपने आप को पलटे। मेरे मोहतरम बुजुर्गों और दोस्तों, हुकूमत कहीं की भी हो, कोई भी हो, हुकूमत वक्त हुकूमत की कुर्सी पर कोई भी बैठा हो, दिल मेरे मोहतरम बुजुर्गों दोस्तों अल्लाह के दो उंगलियों के बीच के अंदर है, वो जब चाहेगा उसे पलट देगा। मुखालिफ को मेरे मोहतरम बुजुर्गों दोस्तों हिमायती बना देगा। और अल्लाह ने यह करके दिखाया है कि जो इस्लाम का मुखालिफ है, इस्लाम का दुश्मन है, अल्लाह तबारक व तआला ने उसे नबुवत के दामन से जोड़कर इस्लाम का हिमायती और इस्लाम का मुआविन बना दिया। तो ये सब तो अल्लाह के हाथ में है। तो असल मामला ये है, असल बात ये है कि हमें और आपको और पूरी उम्मत मुस्लिमा को अल्लाह से डरने की जरूरत है, ये दुनिया से डरने की जरूरत नहीं है। जब हम और आप अल्लाह से डरेंगे तो यकीन मानिए मेरे मोहतरम बुजुर्गों दोस्तों, दुनिया का डर अंदर से निकल जाएगा और फिर अल्लाह के फैसले भी आते हैं। फिर अल्लाह के फैसले आएंगे, इन्नल्लाह ला युगय्यिरु मा बिकौमिन हत्ता युगय्यिरु मा बिअन्फुसिहिम। अल्लाह तबारक व ताला किसी कौम की हालत को उस वक्त तक नहीं बदलता जब तक कि वो कौम खुद बदलने की कोशिश ना करे। आज हमारे अंदर बदलाव की जरूरत है, आज हमारे अंदर इनकलाब की जरूरत है, आज हमारे अंदर सेहत और तस्ही की जरूरत है। अपनी खामियां को दूर करके, अपनी कमजोरियां को खत्म करके, अपनी गलतियों के ऊपर तौबा करके रुजू इल्लाह होने की जरूरत है। मेरे वो दोस्तों, अल्लाह तबारक व ताला हमें और आपको दिखा भी रहे हैं, लेकिन हमारी आंखें नहीं देखती हैं तो क्या करें? इसमें कसूर अल्लाह को तो नहीं, इसमें कसूर तो हमारा ही है। अल्लाह तबारक व ताला कभी वहां सैलाब, कभी वहां पानी, वहां ऐसी तबाही, ऐसी बर्बादी। मेरे दोस्तों, ये तज़किरे और तबसरे के लिए कतअन नहीं है। कहीं अगर तबाही है, बर्बादी है, कहीं सैलाब से लोग मुतासिर हैं, तो मेरे मोहतरम दोस्तों, ये सिर्फ और सिर्फ हमारे और आपके लिए एक इबादत।